बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र एमजीपी रोखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं, तो आप देख रहे हैं यह है बीए सेकंड ईयर वालों का 2022 का पेपर और यह है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर और यह 35 नंबर का पेपर बना था, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था। तो सबसे बड़ी खबर आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आपको 2 दिन पहले केवल 10 क्वेश्चन दिए थे और उन 10 क्वेश्चन में से कितना फंसा है मुझे बस अभी बता दो, 80% प्लस फंसा है। कुछ छात्र बोलते हैं सर 85% प्लस फंसा है, गजब। कुछ बोलते हैं सर ये 79% फंसा है। सबके कमेंट अलग अलग हैं। आप इस वीडियो में कमेंट क्या करते हैं कि आपके द्वारा मतलब आपके हिसाब से कितना परसेंट फंसा है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं आपसे बोलता हूं कि जो मैं आपको बताता हूं वही पेपर में आएगा, चिंता मत करो। 2 दिन पहले पेपर लीक, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। देखो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपको 1 से 2 दिन पढ़कर 70% प्लस दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। 2 दिन पढ़ लो, दिल से पढ़ लो, 70% ले लो। आपको फेल करने वाला पैदा तो है नहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। जब तक सूरज राज जिंदा है ना तब तक चिंता मत करो, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करोगे आप सभी लोग, मुझे वादा करो, मुझसे वादा करो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग, क्योंकि मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं और आपको संघर्ष करना होगा। आपके जितने ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर कर दो, जितने फेसबुक ग्रुप आप चला रहे हैं उन पे शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टा चला रहे हैं, शेयर चैट चला रहे हैं, सब पे शेयर करो यार, समझ रहे हैं ना, ठीक, सबको शेयर करना है। और आप जैसे ही क्लास में घुसते हैं, जैसे ही आप अपने क्लास में घुसेंगे और सबसे पहले बोलेंगे सभी छात्रों से, सुन लो भाई पेपर हैकर यूट्यूब से कौन कौन पढ़ के आया है बताओ, और नहीं पढ़ के आए हो तो अगले पेपर को पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से ही पढ़ के आना, क्योंकि अगली बार कुछ नया करना है आपको, इतिहास रचना होगा, समझ रहे ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल, समझ रहे ना, भरोसा आप करेंगे और भरोसा दिलाने का काम हम करेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे जितने भी चैनल हैं होम पेज में जाकर सारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यह सेक्शन नंबर 7 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 7 नंबर का 1 क्वेश्चन है और 35 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर ए में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो आए या नहीं। तो आपको विश्वास नहीं आता है तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पब्लिश की है, बीए बाई पेपर हैकर पर जाकर देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे सारे चैनलों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट है वहां जाकर हमारे, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है बहुविकल्पीय क्वेश्चन उनकी हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए पेपर हैकर बीएससी सेकेंड ईयर एमसीक्यू एजुकेशन साइकोलॉजी हिस्ट्री सोशोलॉजी, जितने भी आप जो भी चाहिए आपको जो सब्जेक्ट है उसके सारे आप एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अच्छे नंबर से पास होना है आप सभी को, ठीक है। अब देखेंगे बात करने वाले हैं हम, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ आंसर देना है, मतलब कि 7 के हिसाब से 3 क्वेश्चन यदि आप कर दोगे तो 21 नंबर का हो जाता है। पहला ही क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने आपको बताया वही पूरा है। यहाँ डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया, कि आपसे पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए, डिफाइन करिए, और शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, पूरा क्वेश्चन बसा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया था यार, अब हैरान हो जाओगे यार। अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ कॉमेंट सेक्शन में आप बताना कि आप पेपर दे के आए हैं तो कितना परसेंट फंसा है, सही है। अब 80 हम बाद में डिस्कस करेंगे, सभी लोगों का कमेंट अलग अलग है, 79% किसी ने 80% बोला है, कोई 82%, कोई 83% बोल रहा है, कोई 85% भी बोला है किसी ने कमेंट करके। तो अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हमने जो दिए वो कितने परसेंट फंसा है। और जो भी आपका पेपर हुआ करे आप मुझे प्रॉमिस करो उस पेपर की पीडीएफ या फिर फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं 7037327838, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 7037327838, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर तुरंत फोटो को खींचो, पेपर जैसा ही होता है तुरंत सेंड करो, ताकि आपका नाम यहाँ बुलाया जाएगा यार, समझ रहे ना, आपको पुकारा जाएगा यहाँ से कि हाँ भाई इन छात्र ने सबसे पहले हमें दिया, तो आपको करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर जरूर करो प्लीज, प्रॉमिस करो मुझसे, आप जितने लोगों से कांटेक्ट है आपका सभी को शेयर कर दो। अब यहां देखो यह उसका अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यह है अथवा में क्वेश्चन, यह है यह कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की तक जो तरीकों को
प्रकाश डाली। अब यहां देखना है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। अब आप देखो मेंटल हेल्थ बोलते हैं, मतलब कि मस्तिष्क से जो हमारे स्वास्थ्य होते हैं वो चीजें। आप ये क्वेश्चन मत करिए, ऊपर वाला कर पाओ, 7 नंबर वहां से प्राप्त करो जो आपको सिंपल तरीके से लगता है। यहां देखो सीखने के सिद्धांत से पूरा अभिप्राय, पूरा 7 नंबर का बसा है, पूरा क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन छपेगा। देखो देखो अधिगम भी आ गया, अधिगम की परिभाषा क्या, अधिगम के सुझाव के बारे में पूरा 7 नंबर के बसा है। यार 14 नंबर कब तक फंस चुका है, ऊपर देख लो। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आ गया देखो, बुद्धि लब्धि पूरा आ गया, संकेतक वृद्धि क्या होती है, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है यार, कुछ नहीं कुछ भी। और देखो ये क्वेश्चन ना करो, अथवा वाला क्वेश्चन करो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए देखो यहां बोला गया है दर्शन इतिहास विधि के, मतलब अंत दर्शन की और इतिहास विधि द्वारा व्याख्या करनी है आपको केवल शिक्षा मनोविज्ञान की। पूरा बही लिख देना, तो पहले क्वेश्चन में लिखता बना बना के लिख देना, कुछ नहीं करना, छूट भी जाए बना बना के लिख दो साले, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, पास हो जाओगे, तुम्हें कोई फेल नहीं करेगा। यदि कॉपी नहीं लिख के आओगे तो फेल करेगा, पक्का बात। 7 नंबर का फंसा, 14 नंबर पूरा क्लियर, मतलब कि सॉरी 21 नंबर पूरे क्लियर, तीनों क्वेश्चन फंसे हैं, पूरे 21 नंबर क्लियर हो गए। सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाओ, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के हैं। देखो 5 क्वेश्चन आपको करना है, 100 शब्दों से ज्यादा मत लिखना। यहां बोला गया अधिगम की परिभाषा, 2 नंबर का पूरा फंसा है, देख लो ठीक है। यहां कह रहा है उदाहरण सहित व्यक्तित्व की परिभाषा, पूरा 2 नंबर का फंसा है, देख लो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, देख लो। देखो यहां कह रहा है प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा, मतलब कैसे पहचान करेंगे, पूरा 2 नंबर का देखो। यहां मनोशिक्षा के शैक्षिक महत्व के, पूरा 2 नंबर का। सृजनात्मक बालक की पहचान, पूरा 2 नंबर का, बहन कुछ नहीं बाहर ही नहीं गया है। यहां देखो यहां कह रहा है व्यक्तिगत जो भिन्नता क्या होती है, पूरा 2 नंबर का, अरे कुछ भी नहीं है। पिछड़े बालकों के सबके समय पूछ ला रहा गजब जहर, पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर लीक कह सकते हैं, मतलब कुछ भी बाहर नहीं गया, जो कहा वही पेपर में आया, देख लो। उसके बाद में सेक्शन नंबर सी में पहुंचो, सेक्शन नंबर सी 1 नंबर का क्वेश्चन, अरे 10 नंबर ऊपर मानो, और कितने मानना है 21 नंबर ऊपर, कितने 31 नंबर हो गए दोस्त, 31 नंबर, अरे टॉपर बनने वाले बाबा, वाह 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 क्या बात है, गजब यार। अपना अलग से रूल रहेगा, सबसे अलग है हम लोग, और कुछ हो जाए संघर्ष कम करेंगे और नंबर ज्यादा पाएंगे, ये हम कह रहे हैं, मतलब कम मेहनत में अच्छे नंबर लाने की तरीका है। अभी देखो यहाँ कह रहा है बुद्धि संकेतक का अंतर क्या है सत्य असत्य में, ये आप खुद यार मेरे एमसीक्यू डाउनलोड कर लोगे, मैंने कहा था ना एमसीक्यू की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये पेपर हैकर .in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पूरे नोट्स PDF बनाकर डाल रखी है, जाकर डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक पेपर हैकर आपके साथ है, मैं जब तक जिंदा हूं ना, आप पर कुछ नहीं होने वाला, आप पर आंच नहीं आएगी, सच्ची बता रहा, बस आपको यार समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने कितनी बड़ी बात कह दी आपसे, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय बाय।